हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपने चेहरे को निखारने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की केयर नहीं करते और इसी वजह से हमारी एड़ियां फट जाती हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये एड़ियां फटती क्यों हैं। अक्सर अनियमित खानपान, विटामिन ई की कमी, कैल्शियम और आयरन की पर्याप्त मात्रा न मिल पाने के कारण एड़ियां फट जाती हैं। यूं तो बाजार में कई सारी क्रीम मौजूद है जो कि फटी एड़ियों को ठीक करने का दावा करती है, लेकिन इसका जितना घरेलू उपचार किया जाए उतना ही बेहतर होता है। तो आपको बताएंगे इसमें 3 से 4 तरीके जिसके इस्तेमाल से आप घर बैठे ही अपनी फटी एड़ियों का उपचार कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है नारियल का तेल। रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लेकर उसे फटी हुई एड़ियों पर लगाइए। चाहे तो इसे हल्का गर्म भी कर सकती हैं। इसके मसाज से आपकी थकान भी कम होगी। उसके बाद आपको जुराब पहनकर सो जाना है। सुबह उठकर पैरों को पानी से धो लेना है। पानी जो है गुनगुना होना चाहिए। करीब 10 दिन तक इस उपाय को लगातार करने से एड़ियां मुलायम हो जाएंगी। तो वही दूसरा तरीका है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है ग्लिसरीन और गुलाब जल का, जिससे आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटती हैं तो ये उपाय ही आपको अपनाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, 3/4 मात्रा में गुलाब जल लेना है और 1/4 मात्रा में ग्लिसरीन लेना है। यानी कि अगर 3 चम्मच आप गुलाब जल ले रहे हो तो 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन लेना है और दोनों को मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद इसको एड़ियों पर लगाकर इसको कुछ देर तक रहने देना है। उसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लेना है। आप देखोगे कुछ ही दिन में जो है फटी हुई एड़ियां एकदम खत्म हो जाएंगी और आपका जो है मुलायम त्वचा वहां पर आ जाएगा।